नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है एक खराब एलईडी बल्ब पॉलीगैप कंपनी का 9 वाट का, और इस बल्ब को दिया है मेरे गांव के एक ब्रदर ने और रिपेयर करने को बोला है। और इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको जल्दी से रिपेयर कर लेते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो ये रहा हमारा बोर्ड, सीरीज बोर्ड। यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली है, ठीक है, और यहाँ पर सीरीज बल्ब लगाया गया है 100 वाट का सेफ्टी के लिए। अगर यहाँ पर से मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर जो आउटपुट है बंद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ तो ये जो बल्ब है ग्लो करेगा। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, अगर बल्ब में कोई शॉर्ट सर्किट रहे तो जो वायर है नहीं जलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बिजली में लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, बिजली में लगा दिया और ये जो बल्ब है ब्लिंक कर रहा है और धीमा जल रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम है आप लोगों का जो बल्ब है उसमें भी ऐसा ही प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है, खराब एलईडी बल्ब में। देखिए, खोलने के बाद भी जल रहा है, बंद हो गया। तो इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए सबसे पहले इस डिफ्यूजर को हटाते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जो प्लास्टिक का व्हाइट कलर का कैप है इसको हटाना कुछ इस तरह से है, हाथों से खींच के। अगर हाथों से खींच के नहीं हट रहा है तो स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हो, देख सकते हो हट गया, ठीक है। अगर नहीं हटता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो शार्प एज का स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर घुसा के चारों तरफ से खोल सकते हो, ठीक है। तो खोल दिया और अंदर आप देख सकते हो एलईडीज, एलईडी है, ठीक है, छोटा छोटा जो देख रहे हो एलईडी है। और यहाँ पर जो एलईडी से 9 वोल्ट का है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SMD LED है। इस तरह का LED को SMD LED बोला जाता है, तो 9 है। और यहाँ पर जितने भी LED आप देख रहे हो ना, सभी सीरीज में कनेक्शन किया गया है। सीरीज यानी इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, कुछ इस तरह से सभी कनेक्टेड है। और आखिर में जो दो इंड बचेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उन नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ पर लगाया गया है। और इस तरह का बल्ब में क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, मिडिल में कोई भी अगर एक एलईडी बल्ब खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो सभी एलईडी के थ्रू ही जाता है। अगर मिडिल में एक खराब हो जाए तो सभी ग्लो करना बंद कर देता है। जैसे कि मुझे इस एलईडी पे डाउट हो रहा है, देख सकते थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस एलईडी में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ब्लैक हो गया है और बाकी सब साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट भी कर देता हूँ तो बाकी जो एलईडी है ग्लो करेगा, जलेगा, तो वो भी चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बिजली में लगाते हैं दोबारा स्विच बोर्ड में, और इसमें डाउट है हमें तो इसको शॉर्ट करके देखेंगे। अगर शॉर्ट करने से जलता है तो इसके अंदर जो ड्राइवर है, इसके अंदर एक अलग से ड्राइवर रहता है, कुछ इस तरह का ड्राइवर रहता है अंदर, ठीक है। वहाँ पे इस तरह से वोल्टेज आउटपुट होता है और इधर से 220 वोल्ट इन होता है। तो देखता हूँ यहाँ पर आउटपुट सही है कि नहीं इस बल्ब को, खराब एलईडी बल्ब को शॉर्ट करके। अगर ये खराब नहीं है तो एक एक करके सभी को चेक करेंगे। तो बिजली में लगा दिया और बिजली में लगा के बिल्कुल ना छुए, ना टच करे, नहीं तो आपको शॉक लगेगा। तो कुछ इस तरह का ट्वीजर ले लेंगे और इस ट्वीजर में देखिए कवर लगा हुआ है, हाथों से टच करने से शॉक नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर कवर नहीं है तो आप टेप लगा दीजिए, उसके बाद ही इसको पकड़िए, नहीं तो आपको झटका लगेगा। तो मुझे इसमें डाउट था, इस तरह इस साइड का जो एलईडी है तो उसको मैं शॉर्ट करता हूँ और देखिए इसको शॉर्ट करने से जल रहा है, बहुत ही ब्राइट, ठीक है। यही SMD LED खराब है, ठीक है, ये खराब है। तो अगर इस SMD LED को बदल देता हूँ सिर्फ इसी को, तो ये रिपेयर हो जाएगा। तो इसको बदलने से पहले आप देख लीजिए जो आपका LED बल्ब है ना कितना साल पुराना है, देख सकते हो ये 2022 का है, यहाँ पर 10 महीना 2022, तो अभी चल रहा है 10 महीना 2023, पूरा 1 साल हो गया है इस LED बल्ब का।
अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है आपका जो एलईडी बल्ब है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो पूरा एमसीपीसी भी है ना, ये जो पूरा एलईडी का पैनल है उसको ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा पुराना है और इसका लाइफ रहता है एलईडी का, तो इसका जो लाइफ है ना खत्म होने वाला है या कुछ ही दिन बचा है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो खराब एलईडी है ना, इसको अगर मैं बदल भी देता हूँ, यहाँ पर से उठा के बदल देता हूँ, दूसरा लगा देता हूँ नया, तो ये तो ठीक रहेगा। जो बाकी एसएमडी एलईडी ना वो खराब हो जाएगा। मान लीजिए दोबारा से इसके बगल में जो ये एलईडी है ये खराब हो गया, दोबारा से सभी बंद हो जाएगा। एक खराब होने से सभी बंद हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास 1 साल या 2 साल पुराना एलईडी बल्ब आता है खराब इस तरह का, तो उसमें पूरा जो एमसीपीसी भी है एलईडी का पैनल है उसको पूरा ही बदल देना, ठीक है। ज़्यादा तो रही प्रॉब्लम होता है, तो चलिए इसका भी जो एलईडी का पैनल है इसको बदल लेते हैं। यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं है, कुछ इस तरह का लगा हुआ है, कुछ इस तरह से सीधा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से वायर्स को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए जो वायर का कलर है वो भी दिखाई देगा आपको, जो ब्लैक है वो नेगेटिव में लगा हुआ रहता है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है इस पैनल का, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखें। और देखिए इस तरफ पॉजिटिव लिखा है, प्लस लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है, और ये जो वायर है लाल कलर का है, थोड़ा सा अंदर है, तो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से डिसोल्डर कर लेता हूँ इस एमसीपीसीबी को, दोनों वायर को यहाँ पर से डिसोल्डर कर लिया। एक वायर को कर दिया, दोनों वायर को डिसोल्डर कर दिया, और देखिए लाल कलर का वायर है, जो लाल कलर का वायर है प्लस है। तो इस पैनल को यहाँ पर से हटा लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू भी लगा दिया है शायद, पता नहीं पॉलीकैप कंपनी वालों ने किस तरह का जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पीछे ही गया, ठीक है, इसको हम तो नहीं लगाएंगे। अरे यार टिक्की जो है ना वो भी थोड़ा सा इधर इधर हो गया, तो इसको भी बिठा लेते हैं, और यहाँ पर जो ग्लू है इसको उठा देंगे, साफ कर देंगे, क्योंकि इसके जगह हमें थर्मल पेस्ट लगाना है। ये पॉलीकैप कंपनी में ही ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर एलईडी बल्ब में यहाँ पर थर्मल पेस्ट ही होता है, ये पॉलीकैप कंपनी में ही इस तरह का ग्लू लगा हुआ रहता है, सभी बल्ब में नहीं रहता है, इस कंपनी का बहुत सारा मॉडल है शायद। इसको साफ करना जरूरी है, ये रबर की तरह है चीज, साफ हो गया। तो यहाँ पर इसको निकाल ही देता हूँ, खोल गया तो, क्योंकि इसके अंदर का जो वोल्टेज है ना वो भी, क्योंकि इस एलईडी बल्ब का मुझे लग रहा है एम्पियर भी कम करना होगा, तो टिक्की को मैं हटा कर देख लेता हूँ अंदर एम्पियर कम करने का जो ऑप्शन है वो है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो एमसीपीसीबी है ना वो लोकल है। अरे यार खुल जाना, जी हाँ खुल गया, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, जी हाँ इसका करंट कंट्रोलिंग आईसी, जी हाँ इसका जो करंट सेंसिंग आईसी है वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, देख लेता हूँ पहले है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर से जो आउटपुट होता है ना, जो बिजली है ना वो
100 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर करंट देता है। तो उस करंट को 100 मिली एम्पियर से अगर 80 मिली एम्पियर या 70 मिली एम्पियर कर देता हूँ तो और ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा, इसीलिए मैं खोला। ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे जो न्यू MCPCB है नया, उसको लगा दीजिए तो रिपेयर हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ पहले उसको, अगर मैं कम कर सकता हूँ तो कम करूँगा, नहीं तो लगा दूंगा। फिर भी चलेगा लेकिन कम लास्टिंग करेगा, इसीलिए मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं टॉर्च लगा के देख लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, टॉर्च मार के देख लिया। इस ड्राइवर में कोई भी करंट सेंसिंग रजिस्टर नहीं है, तो मैं इसका जो करंट है कम नहीं कर सकता हूँ। क्या कर दिया कंपनी वालों ने, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है ना, यहाँ पर करंट सेंसिंग रजिस्टर था, तो अरे यार इसमें नहीं दिखाई दे रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का ड्राइवर में करंट सेंसिंग रजिस्टर रहता है। इसका भी मैं ले लिया कुछ निकाल के, कोई बात नहीं। तो इसमें वही ऑप्शन ही नहीं है, और इस ड्राइवर में कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पर से मैं इसका जो करंट है कम कर सकूँ। ये तो बहुत बुरा किया कंपनी वालों ने, ना इंसाफी। तो चलिए इस टिकट को लगा देता हूँ, कोई चारा नहीं, इसका एम्पियर हम नहीं कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिचक गया, तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। क्यों इस तरह से कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो कुछ इस तरह का जो मटेरियल है ना वो टूट जाएगा, इसीलिए। ओके लगा दिया, और ये जो पिचक गया ना, इसको मैं सीधा कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए हो गया सीधा। तो चलिए कोई चारा नहीं, इसका जो करंट है उसको मैं कम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता इस ड्राइवर में। तो चलिए एक न्यू MCPCB लगा देते हैं, मेरे पास तो बहुत सारा है। देखिए इस डब्बे में रखा हूँ, बहुत सारा है, निकाल लेता हूँ। ओके देखिए बहुत सारा LED, 9 वाट का जो LED का पैनल है, यहाँ पर से मैं तोड़ के ले लेता हूँ एक। ठीक है, और इस तरह का जो LED का पैनल है आप मार्केट से खरीद सकते हो, लगभग 10 रुपये लेगा। ठीक है, तो एक ले लिया हूँ, ये 9 वाट का ही है और सेम वोल्टेज का है। यहाँ पर था ये MCPCB सेम वोल्टेज का है, लेकिन इसका जो टाइप है देख सकते हो, और जो इसका जो प्लेसमेंट है वो भी अलग है। तो चलिए इसको लगाने से पहले बैक साइड में थोड़ा सा थर्मल ग्रीस लगाना पड़ेगा, थर्मल ग्रीस लगा देता हूँ, थोड़ा सा लगाना है थर्मल ग्रीस, इसको कूल रखने में मदद करेगा, हीट को जल्दी से ट्रांसफर करेगा, अच्छा कांटेक्ट बनाएगा हीट सिंक के साथ, इसीलिए इसको लगाया जाता है। ओके, और इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कांटेक्ट अच्छा बनाता है यहाँ पर प्लेट में। तो लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी स्क्रू भी नहीं है, तो कुछ इस तरह से मोड़ ही देता हूँ जो एल्युमिनियम का यहाँ पर लॉक है। ठीक है, मोड़ के इसको थोड़ा सा टाइट करके लगा देंगे, सटा हुआ रहना चाहिए। ओके ओके ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल जो लाल कलर का वायर है उसको प्लस में सोल्डर करना है, और जो काला कलर का ब्लैक कलर का है उसको माइनस पे। जल्दी से कर देता हूँ, थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके
सोल्डर वायर, पहले पीसीबी में थोड़ा लगा लेंगे, नहीं तो ये नहीं पकड़ेगा। ये पीसीबी में लगा दिया, उसके बाद वायर को लाल कलर का वायर को प्लस में, ओके। जो ब्लैक कलर का काला कलर का वायर है उसको माइनस पे, नेगेटिव पे, ओके सोल्डर कर दिया और हमारा एलईडी बल्ब प्रिपेयर हो गया। तो चलिए आपको बिजली में लगाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली है, ठीक है, देखिए यहाँ पर बिजली है और यहाँ पर लगाता हूँ, होपफुली ये ग्लो करे, मतलब जले। जी हाँ, परफेक्टली ग्लो कर रहा है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आपके 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। डिफ्यूजर को भी लगा दिया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।